विशेष प्रमंडल से बनाए गए पुल 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। यह पुल देख सकते हैं आप, हमारे कैमरामैन थोड़ा दिखाएं कैसे बाइक को ले जा रहे हैं। इस मात्र जो रड बांधे हुए हैं उसी पे ले जा रहे हैं। थोड़ा दिखाएं कैमरामैन इधर कि किस तरह से अपनी बाइक को जान में जोखिम रख करके ले जा रहे हैं। कभी भी अनहोनी हो सकती है, बड़ी खतरा। यहाँ से स्वदेशवाणी न्यूज चैनल सीधा प्रसारण कर रही है। यह चूचू गांव और बेड़म कई ग्रामीणों इस पुल से आना जाना करते हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, यह स्वदेशवाणी टाटीझरी अंचल क्षेत्र से सीधा प्रसारण कर रही है। आप देख सकते हैं कैसी ब्रेकिंग न्यूज है, यह पुल पे कैसे बाइक ले जा रहे हैं ग्रामीण। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, जानलेवा हो सकती है, अपनी जान जोखिम में रख करके बाइक को ले जा रहे हैं। स्वदेशवाणी पे आप देख सकते हैं, इनसे हम बात करना भी चाहेंगे लेकिन थोड़ा बाइक अपनी लेते जा रहे हैं, इसी कारणवश हम बात नहीं कर पा रहे हैं। और कैमरामैन विस्तार से दिखाएं थोड़ा किस तरह से ले जा रहे हैं बाइक को इस पुल पे। और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठेकेदार यह लापरवाही कर रही है कि 2 से 3 साल हो चुकी है इस पुल को। 15 में माओवादियों द्वारा इस पुल को उड़ा दिया गया था, जिसके बाद फिर विशेष प्रमंडल द्वारा टेंडर होने के बाद यह पुल 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, फिर भी बन नहीं रही है। और यहाँ के ग्रामीण इसी तरह से अपनी बाइक को ले जा रहे हैं। बरसात में काफ़ी पानी इस नदी से आ चुके हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है इस पुल पे। इसके जिम्मेवारी कौन होगा, इसके जिम्मेवार ठेकेदार को लेना होगा कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं फिर भी यह पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। हम ठेकेदार का पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना मुंशी है, और सीधा प्रसारण कर रही है स्वदेशवाणी न्यूज चैनल या टाटीझरी अंचल क्षेत्र के बेड़म गांव से। लगभग 20 से 25 गांव को जोड़ती है यह पुल और आज अधूरा है। स्वदेशवाणी पप्पू कुमार के साथ में कैमरामैन टिंकू कुमार। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।